हेलो गाइस, वेलकम बैक। पॉलिटेक्निक स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों देखिएगा, ईडी की इस क्लास में हम लोग अपने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि बिल्कुल भी हाथ नहीं चल रहे, फिर भी आप लोगों के लिए ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं और क्लास लेकर के आया हूँ। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करिएगा, साथ में अपने सभी दोस्तों से शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी इस क्लास को देख सकें। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को जल्दी से बिना किसी देरी के, जिसमें हम लोग आज अपने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन लगाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी शीट ड्राइंग वगैरह लगा करके फिट बैठे होंगे। देखिए बच्चों, सीखना है तो ड्राइंग शीट पर करके सीखिएगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का। ठीक है, आप लोगों ने मेरी क्लास में प्रिज्म का क्वेश्चन देख लिया है, तो आज हम लोग पिरामिड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा वाला? पिरामिड वाला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, सबसे पहले लेते हैं कोन का क्वेश्चन। तो ऐसा ले लेते हैं इसको हम, 50 mm डायामीटर का एक कोन, 50 mm डायामीटर का एक कोन। कोन को क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में शंकु बोलते हैं। एक कोन जिसकी हाइट 60 mm है, HP में अपने बेस पर इस प्रकार रखा है कि उसका एक्सिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? अक्ष। कि उसका जल्दी से लिखो एकदम, कि उसका एक्सिस HP से 45 डिग्री झुका है। इसका आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। क्या करना है? प्रोजेक्शन करो। चलिए भैया, उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। मुझे मेरी इरेजर नहीं मिल रही है, पता नहीं इरेजर कहाँ गई। वैसे तो खैर 99.9% चांसेस है कि मुझे क्वेश्चन करते समय इरेजर की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर भी इरेजर होती तो सही रहता है। खैर, क्वेश्चन को करते हैं बच्चों शुरू हम अपने। आप लोगों को पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या रहता है हमारा? सबसे पहला स्टेप रहता है हमारा एक्सिस लाइन को खींचने का। तो बस बिना समय गवाए जल्दी से एक एक्सिस लाइन को हम लोग खींच लेते हैं। तो ये लीजिए, मैंने ये खींच ली बच्चों, एक्सिस लाइन। ठीक है, एक्सिस लाइन का मतलब आप जानते हो। पहली बात तो ये कि आप मुझे ये बताओ कि आपने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में स्टेप्स के बारे में सीखा था, तो ये कितने स्टेप का क्वेश्चन है? कौन बताएगा जल्दी से बताओ एकदम कमेंट में। और बच्चों प्यारे प्यारे कमेंट किया करो, वरना ऐसे कैसे बात बनेगी बताओ। ऐसे तो फिर हमको क्लास में पता ही नहीं लगेगा कि इसको क्लास कैसी लग रही है। अपने डाउट पूछा करो, तभी तो पता लगेगा ना कि क्लास कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है, कि नहीं? ठीक है, तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट देते रहा करो, जिससे कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छा भी लगे, और क्लासेस को जितना हो सके मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर किया करो। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, आपको अगर पता हो कि मैंने आपको जो अपनी क्लासेस में समझाया था उसमें से ये कितने स्टेप वाला क्वेश्चन है, तो बच्चों याद है आपको, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार जरा हम जल्दी से। देखिएगा, लिखा है कि एक 50 mm डायमीटर का एक कोन है जिसकी हाइट 60 mm है, और वो अपने बेस पर यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है। जब एक ही बार एंगल दिया जाता है तो हमारा चार स्टेप वाला क्वेश्चन होता है, चार स्टेप वाला। और जब कोई एंगल नहीं दिया जाता है तो तीन स्टेप का क्वेश्चन होता है। जब दो एंगल दिए जाते हैं तो हमारा छह स्टेप का क्वेश्चन होता है। तो ये हमारा चार स्टेप वाला क्वेश्चन है। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने इसमें आपको बताया था कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको उसके रियल व्यू ड्रॉ करने हैं। तो जैसे कोन मेरे पास है तो नहीं, लेकिन आप सभी लोगों ने आइसक्रीम तो कभी ना कभी खाई होगी। तो कोन को जब आप, कोन का बेस कैसा होता है? सर्किल होता है। और जब उसको आप, मान लीजिए कोन को ऐसे करके रखेंगे हम,
तो जब उसको यहाँ से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, जब उसको हम यहाँ से देखेंगे तो वो एक ट्रायंगल दिखेगा, है ना। तो मतलब अगर वो रियल में एचपी में रखा होता तो उसका फ्रंट भी होता ट्रायंगल और टॉप भी होता सर्किल, अगर वो रियल में रखा होता। तो बस वैसे ही मैंने आपको बताया था कि आपको शेप नीचे ड्रॉ कर लेना है, जो भी शेप हो यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करना है और ऊपर उसका दूसरा वाला शेप ड्रॉ कर लेना है। गॉट इट, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों यहाँ तक। चलिए जल्दी से अब हम एकदम से 50 mm डायमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो 50 mm के लिए ये लीजिए मैंने, 50 mm का मतलब क्या होता है 5 cm, तो ये मैंने अपनी 5 cm लेंथ ले ली कंपास में और बस अब मैं इस 5 cm लेंथ का एक सर्किल ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। नहीं सॉरी, ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर के लिए तो हम रेडियस तो इसकी हाफ लेंगे ना, तो रेडियस हो जाएगी 2.5। ये लीजिए, ये मैंने ले ली रेडियस। अब मैं इस 2.5 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इस सर्किल को ड्रॉ करते समय मैंने बताया था कि रियल शेप को इससे थोड़ा नीचे रखना है, मतलब कितना भी नीचे रख सकते हो, इसके बारे में कोई रूल फिक्स नहीं है, बस थोड़ा सा नीचे रखना है, ठीक है। तो बस ये लीजिए, मैं आपका सर्किल बना रहा हूँ। ये क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये रियल शेप है इसके टॉप व्यू का, मतलब ऊपर से तो सर्किल ही दिखेगा ना, और सामने से दिखेंगे तो ट्रायंगल दिखेगा। तो बस सर्किल बना रहा हूँ मैं, उसके बाद सर्किल वाली फॉर्म में आप याद रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन मैं सिलेंडर का भी कराऊंगा, क्योंकि सिलेंडर का भी तो कोई भी क्वेश्चन करके नहीं दिखाया है। बात ये बच्चों कि मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, और बोर्ड पर जो था वो बोर्ड पर जिस तरीके से मैंने समझाया था वहाँ पर इक्विपमेंट खोल जाते, तो वहाँ पर हमने ऐसे कर लिया था और अब हम प्रॉपर इक्विपमेंट से कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बस ये इसका हमने सर्किल बना दिया है। याद रखिएगा, सर्किल बनाने के बाद यहाँ पर हम इसके सर्किल में पॉइंट मार्क करते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर ये ट्रायंगल होता तो इसके बीच में से सारे कोने ट्रायंगल पर मिला देते, लेकिन ये है सर्किल, तो इसमें कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। ये लीजिए, इसमें ऐसे एक लाइन खींची और फिर एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं सेंटर से पास होती हुई, ठीक है, ऐसे करके। यही इसके कोऑर्डिनेट्स, यही बाद में हम जो पॉइंट मार्क करेंगे वो इसी के हिसाब से करेंगे। अब एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर देते हैं बीच में से, बिल्कुल मिड में से इसके, ऐसे करके ये लीजिए, और फिर एक पॉइंट यहाँ से ऐसे मार्क कर देते हैं ऐसे करके। मतलब सर्किल में जो होते हैं वो ओवरऑल 8 पॉइंट मार्क करते हैं हम लोग। जैसे ट्रायंगल होता तो 3 पॉइंट मार्क करते, रेक्टेंगल होता तो 3, मतलब अगर वो होता क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म होता तो 3 पॉइंट नीचे के और 3 पॉइंट ऊपर के। यहाँ पर कौन है, तो ये इसका देखा जाए लॉजिकल बात तो ये है कि ये इसके सारे पॉइंट नीचे के, ऊपर जाके एक पॉइंट पर मिले, और जिस पॉइंट पर मिले हैं वो ये वाला पॉइंट है। इसको हमने दे दिया नाम ओ, यहाँ से नाम रख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बना लिया यहाँ तक, जल्दी से एकदम बना लो। उसके बाद आपको पता है प्रोसेस कि आपको ये लाइंस जो हैं वो सीधी ऊपर को खींचनी होती है, याद है कि नहीं। तो यहाँ से इसको सीधा ऊपर खींच लीजिए और फिर यहीं पर इस ड्राफ्टर को टाइट करके यहाँ से इसको भी सीधा ऊपर खींच, ये दोनों एक ही लाइन पर जानी थी बाबू। ये बच्चों यहाँ से इसको दोनों को इस तरीके से हमको ड्रॉ करना था, ये वाली लाइन दोनों एक ही साथ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा गलत ड्रॉ हो गया है, तो यहाँ पर ये लाइन एक साथ नहीं जा रही है, एक्चुअल में इन दोनों की दोनों लाइंस को एक ही साथ जाना था, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होना था, और जब ये इक्वल डिस्टेंस पर ड्रॉ होता तो ये दोनों की दोनों एकदम एक साथ जाती, बिल्कुल इक्वल इक्वल एकदम, ठीक है। चलिए इसको फिर इक्वल डिस्टेंस पर कर लेते हैं जल्दी से। मुझे तो लगा था कि इरेजर का यूज़ पड़ेगा ही नहीं, लेकिन चलो पड़ गया है, और मैं इरेजर ले भी आया हूँ ढूंढ के। जल्दी से इस लाइन को इरेज कर लेते हैं ताकि हम इन दोनों लाइन को एक सीध में ला सकें। कि दिख भी रहा होगा, देखो ये वाला सेक्टर बड़ा दिख रहा है, ये वाला सेक्टर छोटा दिख रहा है, इसके होने चाहिए दोनों सेक्टर इक्वल इक्वल एकदम, तभी हमारे पास एग्जैक्टली शेप बन पाएगा, वरना एग्जैक्टली शेप नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों। तो बस जल्दी से इन दोनों सेक्टर को इक्वल कर लेते हैं। देखिएगा ये दोनों सेक्टर इक्वल होंगे हमारे, ये लाइन यहाँ पर आएगी, मतलब यहाँ से ड्रॉ करनी है हमको ये लाइन ऐसे करके, तो यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं इसको ऐसे करके, सेंटर से पास होती है लाइन, ये लीजिए ये ये लीजिए, यहाँ से एकदम सेंटर से पास होती है लाइन, ड्रॉ करते हैं पूरी, ये रही लाइन सेंटर से पास होती है, दिस वन,
ओके, तो हमारा जो पॉइंट नंबर वन है वो हो गया ये, और पॉइंट नंबर फाइव है वो हो गया ये, याद रखिएगा ठीक है बच्चों। अब देखिएगा बिल्कुल सीधी जाएगी लाइन एकदम ये, तो बस जल्दी से बिना समय गवाए जैसे ये लाइन सीधी गई है वैसे ही इस लाइन को भी एकदम सीधा खींच लेते हैं। ये लीजिए, ये देखिएगा ये गई सीधी लाइन, एंड आफ्टर दैट ये तो जाएगी सीधी लाइन, हाँ ये लीजिए ये गई सीधी लाइन, उसके बाद इन दोनों की लाइन बिल्कुल एकदम सेम जाएगी एक ही, ये देखिएगा बिल्कुल अब आया ना ठीक ठिकाने पर एकदम, क्योंकि सारे सेक्टर इक्वल होने चाहिए, ये लीजिए ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ध्यान से हर काम एकदम करना स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं करा रहा हूँ एग्जैक्टली उसी स्टेप्स के थ्रू करना जिन स्टेप्स के थ्रू मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को कि हमको अब ट्राइंगल बनाना है, क्यों, क्योंकि कोन जो रहता है जैसे कोन यहाँ पर ऐसे करके होता तो यहाँ से देखते तो ट्राइंगल दिखता ना, अब वो कितना बड़ा बनाना है, वो बनाना है हमको 60 mm हाइट का। हाइट कौन सी होती है, हाइट होती है ये बीच वाली, तो इस लाइन को सीधा लंबा कर दीजिए पहले, कितना भी लंबा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये लीजिए ये लंबा कर दिया हमने। अब इस लाइन पर कंपास में 60 mm का दूरी लीजिए, डिस्टेंस 60 mm का डिस्टेंस ले लीजिए, ये लीजिए 60 mm, ये हमने रखा यहाँ पर और ये हमने काट दिया, ठीक है तो ये हमको पॉइंट मिल गया, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट, ये ओ थी तो ये मिल गया हमको ओ पॉइंट। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे पॉइंट चाहिए हमको, तो बस तो ऑब्वियस सी बात है इन सबको आपस में मिला दीजिए, मिल गए सारे पॉइंट क्योंकि ओ से तो सारे के सारे मिले। देखो ये सर्किल का मतलब ये कोण का बेस था सर्किल, ये सारे के सारे पॉइंट ओ पर जाकर मिले तभी तो कोण बना, तो बस ओ से सबको मिला दो बन गया कोण का फ्रंट व्यू। तो ये लीजिए भैया ओ से आपको कुछ नहीं करना है, बस ओ से आपको इन सबको मिला देना है बहुत आहिस्ते से, बहुत ही डार्क क्योंकि ये मेन काम है, एकदम डार्क एंड डार्क होना चाहिए। उसके बाद कपड़ा मारते हैं साथ साथ, वरना गंदगी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एकदम, उसमें गंदा नहीं होना है, डायग्राम को जितना हो सके कम से कम गंदा करने की कोशिश करें, इसी में आपके नंबर छुपे होते हैं। देखिएगा मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, मैंने कहा था ना क्लास में कि जब मैं आपको शीट पर करके दिखाऊंगा तो आप देखना कि बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा जैसे बुक में से उतारा है आपने, तो मैं अभी आपको करा रहा हूँ तो देखना बिल्कुल बुक में से उतारा हुआ ही आपको लगेगा ये, ठीक है ये लीजिए दिस वन हियर फ्रॉम हियर दिस वन ओके गुड, आप भी करो ना मेरे साथ ही करना बच्चों, वरना अगर अपने आपको इतना होशियार समझो कि सर का देख ले और काम हो जाएगा तो भैया आप बस देखते रह जाओगे और काम हो नहीं पाएगा, ठीक है क्योंकि ईडी नीड्स प्रैक्टिस एज मैथ्स, जैसे कि मैथ्स को प्रैक्टिस की नीड होती है सेम ईडी को भी प्रैक्टिस की नीड होती है। अब इस लाइन को हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर देंगे और डार्क कर, क्योंकि बेस है तो बेस को भी डार्क करना जरूरी है, तो बस इस लाइन को और डार्क कर दीजिए थोड़ा सा ताकि एकदम क्लियर हो जाए अलग से, ये लीजिए ये देखो बच्चों एकदम ही अलग दिख रहा है ना। अब इसके नाम की बारी आती है, ओ मिल गया है, ये वाला पॉइंट है एट का, तो ये मिल गया हमको एट, ये वाली लाइन जो गई है वन की और सेवन की गई है तो यहाँ मिल गया वन और सेवन, ठीक है और ये जो गई है टू और सिक्स की गई है तो यहाँ मिल गया टू और सिक्स, ये गई है थ्री और फाइव की तो यहाँ मिल गया थ्री और फाइव, ये गई है फोर की तो यहाँ मिल गया हमको फोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे पॉइंट मिल गए और ओ ये 9 पॉइंट थे हमारे पास, 8 नीचे बेस में और 1 ऊपर जाके सारे मिल गए। अब हमको ये 45 झुकाना है, क्या झुकाना है 45, देखिएगा उसका एक्सिस और ये है इसका एक्सिस, इसका एक्सिस एचपी से 45 झुका हुआ है, मतलब आपको मैंने पहले बताया था कि इस वाले शेप को आपको यहाँ पर 45 डिग्री झुका देना है, तो बस जल्दी से 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ले लीजिए कहीं पर भी, एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, यहीं पर हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ से हम अपने 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ले लेते हैं, कहाँ रहा 40 ये रहा और 45 डिग्री ये रहा, इस एंगल पर एक लाइन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है तो ये लीजिए बच्चों ड्राफ्टर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे वो आपकी ही भलाई है उसमें, क्योंकि ड्राफ्टर का यूज़ करना अगर एक बार हैबिट में आ गया तो बहुत फ़ायदा रहता है। 45 डिग्री के एंगल पर ये 45 लिखना अति आवश्यक है, लिखने के बाद आपको पता है कि इस शेप को यहाँ पर ड्रॉ करना होता है, इसके लिए बहुत से तरीके हैं, वैसे तो सबसे आसान तरीका होता है
इस वाले पॉइंट को कहीं पर भी मान लीजिए, ऐसी किसी जगह मानना कि यहाँ से पार ना निकल जाए और यहाँ पर इसके ऊपर वो ना हो जाए क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इस वाले पॉइंट को, यहाँ पर मान लेते हैं किसको, 2.6 को मैंने यहाँ पर मान लिया, 2.6। अब 2.6 से देखोगे आप ऐसे करके लाइन गई हुई है, तो बस यहाँ से 2.6 से 90° के एंगल पर एक लाइन खींच दीजिए। देखो 90° एंगल पर लाइन खींचना कितना आसान है अगर ड्राफ्टर है हमारे पास, तो बस ड्राफ्टर रखा यूं करके और बस एक लाइन ऐसी बड़ी सी खींच दी बिना किसी मेजरमेंट के, ये खींच दी बस, ठीक। ये देखिए आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा और बड़ा कर लो, मुझे लगता है ऊपर तक जाएगा ये, ये लीजिए यहाँ तक खींच देते हैं। अब आपको कंपस उठाना है, और मैंने आपको बनाना सिखा ही रखा है कि कंपस में आपको डिस्टेंसेस फिल करके, ये लीजिए कंपस में आपको जो भी डिस्टेंस चाहिए, जैसे कि 2.6 है, ये रहा 2.6, तो 2.6 है ओ तक का डिस्टेंस लो और 2.6 पर रखो और इस लाइन पर मारो, ये मिल गया हमको पॉइंट ओ, ये मिल गया ओ। अब 1, 2, 3, 4, 5 और चाहिए, 1 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, 3, 5 और 4 चाहिए, 2 तो हैगा, तो बस ये रखो 2 पर, 2 से लेके 1 तक का डिस्टेंस लो, ये लिया मैंने 1 तक का डिस्टेंस 2 से लेके, और 2 पे रख के आर्क लगाई, ये मिल गया कौन सा पॉइंट मिल गया, 1.7, ये मिल गया हमको 1.7। उसके बाद 2 से लेकर के 8 तक का डिस्टेंस लो, ये लीजिए 2 से लेकर 8 तक का डिस्टेंस लिया मैंने, 2 पे रख के आर्क मारी, ये मिल गया हमको पॉइंट नंबर 8, ये मिल गया बच्चों। ऐसे ही बनाना है, इसी तरीके से बनाना है, याद रखो आप। अब देखो यहाँ पर 6 पे रख के 4 तक की आर्क लगाई मैंने, ये मिल गया हमको 4, ये मिल गया हमको 4। उसके बाद 6 पे रख करके और 3 और 5 तक की आर्क लगाई और ये मिल गया हमको 3.5 एंड दिस वन, ये लीजिए ये मिल गया हमको 3.5। 4 वाला पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद, तो 4 वाले पॉइंट को फिर से मार्क कर लेते हैं, कि मुझे लगता है कि 4 वाला पॉइंट जो है थोड़ा आगे आएगा, देखते हैं जरा कहाँ पर आएगा। देखिएगा ये रखा है कंपास हमने और ये है 4 तक का डिस्टेंस, ये वाला ये रखा है कंपास हमने और ये है 4 तक का डिस्टेंस, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ दिस वन, यह है आपका 4 वाला पॉइंट। इस लाइन को सीधा कर लीजिए ऐसे करके, दिस वन इज 4 पॉइंट, देखिएगा सारे मिल चुके हैं, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8, बस अब ओस से इन सबको मिला दीजिए और हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो करना होता है, ओस से इन सबको जल्दी से मिला दीजिए, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है। और देखिएगा मैं आपका 20-25 मिनट में ये क्वेश्चन करा दूंगा, जो कि आपका लगभग 15 नंबर का एग्जाम में आएगा, 15 नंबर का आएगा पक्का, गारंटेड, समझ गए आप नहीं। ये लीजिए एकदम डार्क खींचिएगा, उसके बाद यहाँ पर यहीं से खींचना है, यहीं से दिस वन, ओके गुड, कपड़ा मारिए ताकि डस्ट ना फैले ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद फिर यहाँ से खींचना है आपको, जैसे मर्जी वैसे ड्राफ्टर घुमाओ, ड्राफ्टर चलाना सीखो मैक्सिमम, ताकि आप अपने एक्सपेरिमेंट कर सको, क्योंकि एग्जाम में ड्राफ्टर की सारी कला है बच्चों, स्केल से करने वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं और ड्राफ्टर से करने वाले बच्चे एकदम आगे निकल जाते हैं, इसलिए ड्राफ्टर से करने की आदत डालो अपने अंदर, है कर रहे हो ना साथ साथ मेरे, जो लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं वो अच्छे नंबर पाएंगे देख लेना, और जो लोग सोच रहे हैं कि छोड़ो क्या करना है क्वेश्चन करके, उन लोग के अच्छे नंबर कभी भी नहीं आ सकेंगे। चलिए इनको मिला दीजिए, अब ये हमारा पूरा, हमने इसको 45° झुका दिया, ठीक है बच्चों। ये देख लीजिए आप एकदम साफ साफ देख पा रहे होंगे कि मैंने जो है इसको 45° झुका दिया है, ये चीज़ मैंने 45° झुका दी। और इसके बाद का स्टेप आपको पता ही है कि यहाँ पर कितने पॉइंट हैं, 8 और 1, 9, इन सबसे नीचे को लाइन लेके आनी होती है सीधी सीधी, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेके जानी होती है, यहाँ से वर्टिकल, यहाँ से हॉरिजॉन्टल, जहाँ वो कट करती हैं उनको आपस में पॉइंट मार्क कर लेते हैं। और बस बच्चों बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, और इस ठंड में आपके लिए क्लास ले रहे हैं, देखो तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग जो है क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो। इसको सेट करने का तरीका, यहाँ से बिल्कुल लाइन बिल्कुल सीधी आए, इसके लिए आप ये एक्सिस लाइन पर इसको सेट कर लीजिए, और बस पेंसिल लेकर के और इसको थोड़ी सी शार्प करके पेंसिल को, क्योंकि ये मेन काम है ही नहीं,
ये हमारा सब काम है बस। तो जितना हो सके पेंसिल एकदम शार्प रहे, पेंसिल की लिड पर रख के सारे लाइन्स एकदम खींच दीजिए सीधी सीधी। ये लीजिए एक, आफ्टर दैट दो, आफ्टर दैट तीन, आफ्टर दैट चार, आफ्टर दैट पांच, एक और रह गया बीच में बच्चों, हो गई सारी। अच्छा हाँ ये रह गया, मैं तो कह रहा कौन सा रह गया, ये रह गया ना दिस वन मेन इम्पोर्टेंट, ये रहा। और वैसे ही अब यहाँ से लाइन खींच दीजिए, यहाँ से एकदम सीधी सीधी आएंगी लाइन, देखिएगा बिल्कुल सीधी आ रही है एकदम। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, अब सीधी आ रही है एकदम लाइन्स। ये लीजिए यहाँ से सिक्स से खींचा हमने, तो ये ऐसे करके आएगा। उसके बाद यहाँ से खींचेंगे तो ये दोनों की लाइन यहाँ पर आएगी, ओके गुड। फिर यहाँ से खींचेंगे तो ये लाइन ऐसे करके आगे को आ जाएगी, ठीक है साहब। आफ्टर दैट बच्चों इसको थोड़ा इस वाली स्केल से खींच लेते हैं हम लोग। ये लीजिए इनके पैरेलल आनी चाहिए एकदम, ये लीजिए बच्चों ऐसे करके। उसके बाद ये वाली लाइन यहाँ से ये लीजिए, समझ के बात नहीं, ऐसे करके खींचनी होती है। ये तो मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है, ये कोई पहली बार थोड़ी ना बता रहे हैं, बताओ ये तो बहुत भी उस दिन बोर्ड में ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था। अब बस ये देख लो कि कौन सी लाइन कहाँ कट कर रही है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ कट कर रही है बच्चों, पॉइंट मार्क करना है ना, तो पॉइंट मार्क करने के लिए पेन ले लेता हूँ मैं। देखिएगा ये लाइन ओ की और ये लाइन ओ की यहाँ पर कट किया, ये मिल गया ओ डैश, ओ हमको ठीक है डैश। अच्छा डैश कर लीजिए डैश, ये फ्रंट व्यू के थे तो ये डैश हो गए सारे के सारे, डैश 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 डैश, बस ये डैश 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 डैश, और ये ओ की लाइन और ये ओ की लाइन, तो ये मिल गया ओ हमको। फिर ये देखिएगा वन की लाइन, ये वन की लाइन और ये वन की लाइन, तो ये मिल गया हमको वन। ये टू की लाइन और ये टू की लाइन, ये मिल गया हमको टू। ये थ्री की लाइन और ये थ्री की लाइन, ये मिल गया हमको थ्री। ये फोर की लाइन, ये फोर की लाइन, ये मिल गया हमको फोर। ये फाइव की लाइन, ये फाइव की लाइन, ये मिल गया हमको फाइव। ये सिक्स की लाइन, ये सिक्स की लाइन, ये मिल गया हमको सिक्स। ये सेवन की लाइन, ये सेवन की लाइन, ये मिल गया हमको सेवन। ये एट की लाइन और ये एट की लाइन, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। करोगे तभी फायदा है, नहीं करोगे तो बहुत जल्दी बोरियत होने लगती है भैया, याद रखिएगा ये वाली बात। आप अब आप देखा होगा आपने, लाइक मैं इस मग का एग्जांपल ले लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। जैसे कि आप देखो बच्चों, अगर आप इसको यहाँ से देखते हो तो पूरा सर्किल दिखता, जैसे आप यहाँ से देखते हो तो इसका कुछ ग्रीन वाला पार्ट भी दिख रहा होगा आपको, है कि नहीं, कुछ ग्रीन वाला पार्ट और ये कुछ ब्लैक वाला पार्ट। अब वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है कि ये हमने इसको ऐसे करके घुमा दिया है, मतलब कि हमको इसका जो सर्किल वाला पार्ट है वो सिर्फ कुछ दिख रहा है, मतलब सर्किल नहीं ओवल की शेप में दिख रहा है, और बस उसी ओवल शेप को हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है और हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ओ से आप इन सबको मिला दीजिए, तो ओ से आप पहले आप एक काम करो, पहले इन 1 2 3 4 5 6 7 8 को मिला लीजिए। तो चूंकि ये सर्किल था इसलिए आपको लाइन नहीं मिलानी, कर्व करते हुए लेके जाना है, ट्राई करना है कर्व करते हुए जाए, ठीक है, ऐसे करके ऐसे 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 जाना है, कर्व करते हुए जाने की कोशिश करनी है, लाइन टू लाइन नहीं जाना है, क्योंकि ये सर्किल था ना इसीलिए। अगर ये सर्किल नहीं होता कुछ और होता तो हम एकदम लाइन टू लाइन जाते, लेकिन ये सर्किल था इसलिए कोशिश करो कि इसको कर्व में लेके चले हम लोग। ये लीजिए गुड वेरी गुड, हाँ हाँ, अगर ये कोई और शेप होता सर्किल की जगह तो हम इसको कर्व पर नहीं लेते, फिर तो हम इसको लाइन टू लाइन मिलाते स्ट्रेट लाइन में। ये लीजिए भैया, ये हमने इसका सर्किल ऐसा बन जाएगा। ये लीजिए गुड, अब इसके बाहर वाले पॉइंट्स को मिला दीजिए डार्क। बाहर वाले कौन कौन से, एक तो ये फाइव और सिक्स को डार्क मिला दीजिए, वरना सबको डार्क मिला दीजिए ओ से, ओ से सबको डार्क मिला दीजिए, ठीक है। ये लीजिए ये मिला हमारा ओ से फोर, ये मिला ओ से सिक्स, कहाँ गया भाई, ये रहा, ये मिला ओ से सेवन,
दिस वन इज सेवन, कहाँ जा रहा है भाई, दिस वन इज सेवन एंड दिस वन इज एट, कहीं जाओ मत, ये आपका दिल आपको पुकार रहा है, ये इन सबका दिल है, ये जो ओ है ना ओ, ये इन सबका दिल है, और वो कहते हैं ना कि दिल ये पुकारे आ जा, तो बस जल्दी से एकदम आ जा। ये लीजिए बन गया डायग्राम, दिस वन, ओके 2 पॉइंट्स और बचे हैं, इनको मिला लेते हैं जल्दी से एकदम बिना देरी किए। मेरा दिल ये पुकारे आ जा, हमारा डायग्राम हो गया एकदम तैयार। और ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है पिंजरा किसी चीज का, है कि नहीं, ये पिंजरा लग रहा है। अब इसमें हमारे पास दो तरीके का क्वेश्चन होता है, या तो आपको ये वाली लाइन छुपानी चाहिए थी, ये जितनी लाइन इसके अंदर आ रही सर्किल के अंदर, या तो इन लाइन को डॉटेड करना चाहिए था, और अगर आपने इन लाइन को डॉटेड नहीं किया है तो इसके इस वाले पार्ट को जो हमको साफ साफ नहीं दिख रहा है इसको डॉटेड करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे मैंने मग का एग्जांपल लिया था ना, मग का आपने देखा होगा, मग ऐसे करके था, तो मग का ये वाला हिस्सा हमको सर्किल दिख रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं दिख रहा, नीचे वाला हिस्सा हमको नहीं दिख रहा, नीचे वाला हिस्सा, तो बस ये जो हिस्सा हमको नहीं दिखता है उसको हम बोलते हैं हिडन हिस्सा, हिडन पार्ट। तो हिडन पार्ट को किससे दिखाते हैं बच्चों, हिडन पार्ट को दिखाते हैं ऐसी वाली लाइन से, किससे, ऐसी वाली लाइन से, ऐसी वाली लाइन से कौन सा पार्ट दिखाते हैं, ऐसी वाली लाइन से दिखाते हैं हिडन पार्ट। आपको ये नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे वाली लाइन से हिडन पार्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो बस हिडन पार्ट जल्दी से, ये वाला हिस्सा आपका हिडन पार्ट हो जाएगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये हिस्सा हिडन पार्ट हो जाएगा। देखो हिडन ही लगने लगा मैंने हल्का हल्का इरेज किया, हिडन ही लगने लगा, अभी लो हिडन ही लगने लगा, समझ गए नहीं, ये बस। और आपका ये 4 स्टेप वाला क्वेश्चन एकदम स्वाहा हो गया है, और ठंड में मेरे को अच्छा खासा आनंद आ गया क्वेश्चन करके। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ये क्वेश्चन लाइव किया होगा, और बिल्कुल बुक की तरह लग रहा होगा, एकदम सेम टू सेम, बुक में देख करके तो समझ में आना नहीं ज़िंदगी में, ठीक है बच्चों। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोगों को लाइव क्वेश्चन मेरे साथ करने पड़ेंगे तभी फ़ायदा है, वरना तो ऐसे क्या क्लास देख के चले गए तो कोई फ़ायदा नहीं हमारा, ठीक है बच्चों। बिल्कुल भी एक सेकंड भी आपका मैं क्लास में वेस्ट नहीं करता हूँ, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं वेस्ट करना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आपका एक 0 पॉइंट सिंगल 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 सेकंड भी वेस्ट हो, ठीक है बच्चों। तो बस ये हमने 4 स्टेप वाला क्वेश्चन कर लिया आज, अब हम लोग अपना 6 स्टेप वाला क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ी हो जाएगी, फ्री वाली क्लास में अगर मैंने करा दिया तो, देखो मैं यहीं पर लाइन खींच ले रहा हूँ, और जैसे ही हम लोग अगली क्लास में, मतलब अभी अगली क्लास में हम लोग 6 स्टेप वाला क्वेश्चन कर लेंगे, इसी के आगे को करा दूंगा मैं, उसके बाद हम लोग बस एक टॉपिक बचेगा सेक्शंस, छोटा सा, उन सेक्शंस को सीख करके, और फिर हम लोग अपना क्या सीखेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो कि हमारा 20 नंबर का सवाल होता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, देखो इधर लिख रहा हूँ आपको, तो इन क्वेश्चंस को होमवर्क में आप लगा लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, क्लास में मजा आया होगा, क्लास अच्छा लगा है, क्लास में मजा आया है, तो क्लास को एकदम से लाइक कर दीजिए, ठीक है बच्चों। डायग्राम एकदम प्यारे प्यारे लग रहा है, बताइए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया, आपको लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो, लेकिन मुझे तो अद्भुत लग रहा है, एकदम लग रहा है ऐसे कि बिल्कुल सेम टू सेम वही डायग्राम मैंने बना लिया था बुक पे था, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से जल्दी अगली क्लास में, तब तक ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनको नोट कर लीजिए, और हो सके तो करके मुझे दिखा दीजिएगा। पढ़ाई को जितना हो सके सीरियस लो, वरना मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, अभी आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे, इसीलिए आप लोग के लिए क्लास लेकर गए हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर उसकी केयर नहीं करोगे क्लासेस की, तो भी मुझे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, हम सोचेंगे चलो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, आपको याद होगा बताया था कि डू गुड एंड कास्ट इट इन टू द रिवर, याद है कि नहीं, नेकी कर और दरिया में डाल वाली कहानी है बाबा। तो क्लास अच्छा लाइक करिएगा, दूसरों शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, और अगली क्लास में अपना 6 स्टेप वाला क्वेश्चन करेंगे। ओके गाइस, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।